मैंने एक पेपर देखा उसमें एब्स्ट्रैक्ट कितने लाइन का था, 4 लाइन और 5 लाइन तो नाम ही थे। ऑथरशिप के इश्यू जब रिजॉल्व कर, हु इज द ऑथर, हु डिड इट। देखो ऑथर कौन हो रहा है पेपर का, जिसने आइडिया दिया ना, इंटेलेक्चुअल, दैट इज द ऑथर। जो हमें काम कर रहा है नॉट ऑथर। मतलब अगर तुमने मतलब नहीं अभी इसको मैंने बोला होगा तो एक काम करना, मैंने कहा कि हाँ ऑर्गेनिज्म घे याला ग्रो कर आणि मग हा मीडियाचं कॉम्पोजिशन घे आणि मग त्याला मल्टीप्लाय कर आणि मग त्याची ग्रोथ आल्यानंतर मग हा दुसरा मीडिया घे तो त्याचं जेनोकुलेट कर मग त्याच्यात 2 दिवस इन्क्युबेशन आलं मग त्याची 590 ओढी घे। हा लॉन कर तुम्ही जे सांगितलं ते फिर अगले दिन आता सर अशी अशी ओढी आली फिर मग तो बोलता एक काम कर आता आता तो ऑर्गेनिझम ह्या मीडियममध्ये घे मग त्याचं ते त्याच्यामध्ये टाक आणि मग त्याचं ते जे एन्झाईम ना ते आपण ऍसे कर हा तो ऍसचा प्रोटोकॉल आणि ते करून घे मग फिर उसने किया वो डेटा मुझे लग गया फिर मैंने उसको बोला फिर उसने किया फिर उन्होंने बोला ही इज नॉट द ऑथर ही इज नॉट ऑथर कौन है ओनली मी आइडिया जिसकी थी मे पर अगर कल उसने मुझे बोला सर इसका ओडी ना 0.35 आ रहा है मुझे लगता है कि अगर हमने ये मीडिया यूज किया ना कि कल मैंने पेपर में ऐसे पढ़ा था पेपर मतलब वो लोकमत सरकार में नहीं तो कल मैंने पेपर में ऐसे पढ़ा था कि अगर वो आप मीडिया ऐसे ऐसे चेंज करेंगे तो वो ऐसे ऐसे हो जाएगा तो फिर मतलब ऐसे ऐसे करेंगे ना तो हाँ सर करके देखते हैं तो नाउ ही हैज द लाइक इफ वी डू दैट एंड इफ वी गेट गुड रिजल्ट नाउ ही इज द सेकेंड ऑथर राइट। तो ऑथरशिप इज ऑफ द पर्सन हु हैज इंटेलेक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द पेपर नॉट बिकॉज ही इज माई गाइड नॉट बिकॉज ही पुट्स माई नेम इन दिस पेपर एंड नॉट बिकॉज आई नीड सम ग्रांट्स फ्रॉम हिम ही और शी इज नॉट द ऑथर रिमेंबर है ना। तुम्ही आता फ्युचर सायंटिस्ट होण्याचे मार्ग आहे आणि आत्ता जे सायन्स कम्युनिटीमध्ये चाललंय जे मला अजिबात आवडत नाही आणि मला वाटतं हाच प्लॅटफॉर्म आहे की तुम्ही पुढे जाऊन ते सांगू शकता। मी कोणाला सांगत नाही आग्रह धरत नाही की तुम्ही तुमच्या पेपरमध्ये माझं नाव टाकलं त्याला उलट म्हणतो तू करून घे माझं नाव नव्हतं टाकू परत कुठं टाकतो कारण मला माहिती आहे त्यांनी आज माझं नाव टाकलं की उद्या तो म्हणणार हेच माझं नाव हेच करत बस फक्त काम कमी आहे हेच नाव त्याच्या म्हणून त्याचं नाव देखील लग्नाची पत्रिका सो ऑथरशिप शुड बी ऑफ द पर्सन हु हैज इंटरेस्ट यू रिजॉल्व इट फर्स्ट। तुम अगर पेपर कोई बनाने वाले ना हो तो उसमें से कुछ अच्छा होने वाला नहीं यू रिजॉल्व इट ग्रुप तुम्हारे आपके प्रोजेक्ट ग्रुप में होते हैं इंडिविजुअल होते कैसे होते हैं ग्रुप में होते हैं ना तो पहले डिसाइड कर दो तुम साथ में काम करने वाले के नहीं फिर बाद में 2 दिन होने का है उसी का काम करने